नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेटा केबल्स के बारे में। देखिए इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि ओरिजिनल डेटा केबल और फेक डेटा केबल जो कॉपी डेटा केबल होती है उसके बीच आप अंतर कैसे मालूम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सिंपली कुछ टिप्स देने वाला हूँ या कुछ पॉइंट नोट डाउन मैंने आपके लिए किया है, जिनको सुनने के बाद आप एक बेटर डेटा केबल अपने लिए खरीद सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हम में से मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि डेटा केबल और चार्जिंग केबल में फ़र्क होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो डेटा केबल पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो वाइट वाली डेटा केबल है ये मुझे स्मार्टफोन के चार्जर के साथ कंपनी से ही मिली हुई है। तो ये है जो ये डेटा केबल है, और ये जो मैंने एक बाहर से अलग से ख़रीदी हुई है ये एक चार्जिंग केबल है। अब इसका अंतर कैसे मालूम चलेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर चार्जिंग तो आपके स्मार्टफोन को दोनों ही केबल करेंगे, लेकिन जब आप अपने स्मार्टफोन को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप जो चार्जिंग केबल होगी उससे डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी कि जब आप जो चार्जिंग केबल है उससे अपना स्मार्टफोन अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो आपको ड्राइव्स दिखती है अलग अलग, वहाँ पे एक स्मार्टफोन की ड्राइव्स अलग से आ जाती है। लेकिन चार्जिंग केबल से अगर आपने कनेक्ट किया तो वहाँ पे आपका स्मार्टफोन शो नहीं करेगा, भले ही आपके डेस्कटॉप या पीसी से वो आपका स्मार्टफोन चार्ज होने लग जाएगा, लेकिन आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए चार्जिंग केबल को यूज़ नहीं कर पाओगे। वहीं जो डेटा केबल होती है उसको आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसका नाम भी डेटा केबल इसीलिए होता है क्योंकि हम उससे डेटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करके। तो डेटा केबल ख़रीदने से पहले अगर आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी केबल ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये श्योर करना होगा ख़रीदने से पहले कि वो डेटा ट्रांसफ़र का काम भी करेगी या नहीं, कहीं वो केवल चार्जिंग केबल तो नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रूर डेटा केबल ख़रीदने से पहले ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है डेटा केबल ख़रीदते टाइम वो है उसकी लंबाई। देखिए आपने देखा होगा जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो अपने चार्जर के साथ जो डेटा केबल देते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है। उसके पीछे मेन दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि कंपनियां नहीं चाहती कि स्मार्टफोन को चार्ज करते टाइम आप उसको यूज़ करें, इसलिए वो डेटा केबल की जो लेंथ है उसको शॉर्ट रखती है ताकि आप उसको यूज़ ना करें और उससे जो बैटरी है वो जल्दी से जल्दी चार्ज हो सके और उस पर कोई स्मार्टफोन की बैटरी पे कोई बैड इफ़ेक्ट भी उससे ना पड़े। दूसरा जो मेन रीज़न है, आपको पता है कि हर मेटल का एक रेजिस्टेंस होता है, यानी कि केबल जितनी ज़्यादा लंबी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो अगर वो कंपनी वाले ज़्यादा लंबी केबल आपको बना के देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो चार्जिंग स्पीड है वो स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये दूसरा मेन रीज़न है डेटा केबल की लेंथ को कम रखने का। अब अगर आप डेटा केबल लेना चाहते हैं तो जितना हो सके आप छोटी डेटा केबल लें, बड़ी डेटा केबल अगर आप लेते हैं तो उसमें आपकी चार्जिंग की स्पीड भी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े। तीसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो इसका जो इंसुलेशन होता है डेटा केबल का, ये आपको टच करके देखना है। अगर ये आपको सॉफ्ट टाइप का लगता है तो इसका मतलब ये अच्छी क्वालिटी का है, यानी कि ये वेदरप्रूफ वायर है, वेदरप्रूफ इंसुलेशन इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये टच करने से थोड़ा हार्ड फील होता है तो इसका मतलब इसकी जो क्वालिटी है उसमें प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है और वो आपकी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं चलने वाली है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी डेटा केबल में, हीट प्रूफ। यानी कि आपने देखा होगा अगर आपके घर में आयरन होगी जिससे आप कपड़ों को इस्त्री करते होंगे तो उनकी जो वायर होती है उसके बीच से बाहर से कॉटन की इंसुलेशन होती है कुछ इस तरह की, अगर आप इसे देख पा रहे होंगे। लेकिन ये वाली जो है ये एक लोकल डेटा केबल है और इसमें जो इंसुलेशन है वो नायलॉन के धागे की इंसुलेशन है। तो आपको पता होगा कि अगर ये इसको मैं प्रेस में टच कर दूं तो ये वैसे भी गल जाएगा। तो जो आयरन होती है उसमें कॉटन के धागे की इंसुलेशन होती है जो कि ज़्यादा हीट को भी सहन कर सकता है। तो अगर आप इस तरह की हीट प्रूफ अगर डेटा केबल लेना चाहते हैं कि मेक श्योर उसमें ये जो इंसुलेशन है ये नायलॉन के धागे से ना बनाया गया हो बल्कि कॉटन के धागे से बनाया गया हो। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि अगर आप एक मल्टी पिन का मेरा मतलब ये है कि जैसे आप इसी डेटा केबल को ले लीजिए, ये इस तरह की डेटा केबल है, इसमें एक तरफ से ये दो टाइप सी और माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, यानी कि दोनों एक साथ कनेक्ट हो रखे हैं। अगर आप इस तरह की डेटा केबल को लेना चाहते हैं तो अगर आप
ऐसे ही डेटा केबल लेके किसी दो डिवाइस को या दो स्मार्टफोन को एक साथ चार्ज करते हैं तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि उनकी चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें बीच में करंट डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे से करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो चार्जिंग स्पीड है वो कम हो जाएगी। अगर आप केवल एक ही स्मार्टफोन एक बार में चार्ज करते हैं या कोई भी डिवाइस एक बार में एक ही डिवाइस चार्ज करते हैं तो आप इसको बेशक ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इस तरह की मल्टीपिन जो डेटा केबल आती है वो लेना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी कंपनी के लें, किसी जेन्युइन ब्रांड की ही उसे खरीदें, जो कि आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकती है भले ही, लेकिन वो ज़्यादा आपको बेटर क्वालिटी की मिल जाएगी। तो बस दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।